इंदौर संभाग में शुक्रवार शनिवार को हुई 24 घंटे लगातार बारिश के चलते पूरा इंदौर जलमग्न हो गया। मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश साउथ वेस्ट मॉनसून के चलते हुई। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से इतिहास में पहली बार इस तरह का मौसम देखने को मिला है। इंदौर में 30 इंच के आसपास वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा के आसपास है। आने वाले 2-3 दिनों में और वर्षा होगी जो सामान्य तक पहुंचा देगी। ग्रामीण कृषि विभाग के मौसम अधिकारी रंजीत वानखेड़े ने बताया कि फिलहाल 2-3 दिन ऐसे ही मॉनसून रहेगा और हल्की वर्षा की संभावना लगातार बनी रहेगी। आज और कल बंगाल में निर्वात का क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर हमारे यहाँ 27 से 32 घंटे बाद दिखेगा। आने वाली 27 और 28 तारीख को हमारे यहाँ एक बार फिर बरसात की संभावना है। मौसम अधिकारी ने बताया कि किसानों के जिन क्षेत्रों में हाल ही में हुई वर्षा के चलते खेतों में पानी जमा हो गया है, उन्हें पानी निकासी की तुरंत व्यवस्था करनी होगी। लगातार 24 घंटे हुई बारिश के चलते फसलों के फूल झड़ चुके हैं, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बिखर रही है। देखिए, अभी जो हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई, उसकी बारिश की वजह है हमारे यहाँ जो बाया बंगाल और गुजरात के क्षेत्र में निर्वात का क्षेत्र बनने की वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून रुका हुआ था वो फिर एक्टिवेट हुआ, और इसकी वजह से हमारे यहाँ जो इंदौर और आसपास मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मालवा निमाड़ में अच्छी बारिश अभी प्राप्त हुई है। और हमारे यहाँ इंदौर जो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है उसमें 30 इंच अभी तक बारिश प्राप्त हो चुकी है, और हम संभावना व्यक्त करते हैं कि हमें नॉर्मल बारिश भी प्राप्त होगी। और आने वाले दिनों की हम वर्षा की बात करते हैं, तो अभी जो आने वाले दिनों में निर्वात का क्षेत्र फिर बाया बंगाल में बन रहा है, जिसकी वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून फिर सक्रिय होगा और हमारे यहाँ अच्छी बारिश होगी। ये बारिश 27-28 के आसपास मॉडरेट रेनफॉल की संभावना बनी हुई है। ये नुकसान की बात नहीं है, परंतु जो हाईली रेनफॉल वाले एरिया है और उसमें किसानों से निवेदन है कि वो ड्रेनेज की व्यवस्था करें, जितने जल्दी हो सके पानी की निकासी करें, जिससे जो क्रॉप लॉजिंग होती है वो बचने से वो ड्राई स्पेल से बच जाए, मतलब संभावना है। अलर्ट की बात करें तो सर आने वाले समय में और क्या अलर्ट की? देखिए, 27-28 और अभी जो बाया बंगाल में बन रहा है निर्वात का क्षेत्र, उसकी वजह से हमारे यहाँ निश्चित ही वर्षा है, पर वो वर्षा मॉडरेट रेनफॉल की संभावना है। बहरहाल, मौसम विभाग की माने तो 27 और 28 अगस्त को एक बार फिर मालवा अंचल में वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, इंदौर।